हेलो फ्रेंड्स आई एम सी ए मयूरी खन्ना विद अनदर चैप्टर ऑफ सेंट्रल बैंकिंग दैट इज इंडियन स्पेसिफिक इश्यूज सो लेट प्रोसीड सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं राइट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक like यूएसए चाइना चाइना की इकॉनमी भी अब डेवलप्ड में कंसीडर होती है कनाडा ये जो कंट्रीज हैं इनकी जो इकोनॉमीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका इनसे काफी डिफरेंट होती है ठीक है सो इसी प्रकार से जो इनके सेंट्रल बैंक हैं उनकी जो फंक्शन हैं उनके रोल में भी, भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है इसीलिए जब हमारा रिजर्व बैंक यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है जब वो एस्टेब्लिश किया गया तो उसके सामने सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिया के अंदर वेल डिफाइंड क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था

रूरल एरिया को कैटर करने के लिए हमारे पास एक अलग बैंक है इंडस्ट्रियल पास अलग है हमारी पेमेंट सिस्टम के लिए ऐसे केस में अगर आरबीआई कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेगा एनी पॉलिसी डिस कैन बी ट्रांसमेटेड वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी इजिली थ्रू दीज चैनल ओके सर so, सबसे पहला रीजन तो ये था कि हमें अगर ऐसा एक सिस्टम चाहिए एक प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम चाहिए सेकेंडली जो आरबीआई के अंदर जो लाइक हमारी जो सेविंग्स है कंट्री के अंदर जो जैसे जैसे सेविंग्स ग्रो करती है वैसे वैसे बैंक जो है उनको मोबालाइज करते, है, करते, है? करते हैं मोबालाइज कहाँ की तरफ करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ चैनलाइज कर करते और इन्वेस्टमेंट लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है तो मैं क्या करूंगी उसकी एफ डी है उसकी आरडी करा सकते हैं किसके थ्रू कराऊंगी इसके लिए मुझे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ऑब्वियसली ठीक है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और बैंक क्या करेंगे इसको आगे चैनलाइज करेंगे लोन्स की फॉर्म में लोन्स कहाँ जाएंगे या तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जाएंगे या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जाएंगे मेनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जाएंगे तो ये जो सारा सिस्टम है सेविंग्स को मोबालाइज करने का वो कहाँ से राइज होगा वो होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से ओके सो so, अगर हमारे पास डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे तो जो सेविंग्स है उनको मोबिलाइज करना एक रिलायबिलिटी के थ्रू वो बहुत इजी हो जाएगा ऐसे में रिजर्व बैंक का जो रोल है वो काफी हद तक हम डिक्रीज कर सकते हैं अगर हमारे पास अच्छे से अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर सुपरविजन में होंगे आरबीआई के और इसके अलावा जो ये फाइनेंशियल uh, इंस्टीट्यूशन है ये क्या करते हैं एक टाइप है, का कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का काम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी किस चीज के बीच में डिमांड एंड सप्लाई फॉर इन्वेस्टेबल इन द इकोनॉमी So, आगे देख लेते हैं ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई ने किए देखिए बहुत सारे पहले आता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं आईडीबीआई ओके आईडीबीआई आईडीबीआई एक्ट 1964 के तहत नाइनटीन सिक्सटी फोर में फॉर्म हुआ इसको किसने फॉर्म किया इसको फॉर्म किया आरबीआई ने किया ओके okay. अगर आज के टाइम पे मैं अगर आई डी बी आई का प्रेजेंट स्टेटस देखूं तो आई डी बी आई एक बैंक है और ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आता है अंडर द ऑनरशिप ऑफ एल आई सी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए इसमें आज प्रेजेंट टाइम्स में एल आई सी प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनके कम्बाइंड स्टेक्स है ओके और पहले जब ये बना था तब वो इस फॉर्मेशन में नहीं था उस टाइम पे होली यानी कि होली ऑनड का मतलब हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी था ये गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1964 में जिस टाइम पे फॉर्म हुआ उस टाइम पे हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी था किसका आरबीआई का ओके मगर आज का प्रेजेंट स्टेटस देखें तो इसमें ज्वाइंट स्टेक्स है किसके एल और गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया के ओके उस टाइम पे जिस टाइम इसको फॉर्म किया गया नाइनटीन में इसको डी यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया अब नाम से ही मैं पता चल रहा है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे पर्टिकुलर सेगमेंट के डेवलपमेंट के लिए फॉर्म किया गया और ये क्या सेगमेंट था वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर मींस आईडीबीआई 1964 में इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए बनाया गया था ओके okay. जिस टाइम पे बनाया गया था उसके बाद ये सेक्शन फोर एफ कंपनी फाइनेंशियल बढ़ाना ग्रोथ इन द इकोमी इसका जो मेजर फोकस था वो था इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओके उस टाइम पे उसकी ऑथोराइज कैपिटल थी फिफ्टी करोड़ मगर आज के टाइम पे काफी हद तक बढ़ा दी गई है आगे देखिए उस टाइम हमारे पास बनाने के क्या क्या मेजर थे थे एम पहली चीज वो एक कोऑर्डिनेटिंग का एजेंसी का काम करता था दूसरा वो एक फाइनेंसिंग एजेंसी था जो डायरेक्ट फाइनेंस करता था फाइनेंस देता था किसको देता था इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को मींस इंडस्ट्रीज को लोन की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले उसके लिए डेडिकेटेड बैंक था वो था आईडीबीआई आई। ओके

Project project का काम करता था. है, है उसके लिए हम कुछ loan लेते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है डेली मेट्रो बनाने का तो इसको जो फंड करेंगे उसको कहेंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस इसी टाइप से इंडस्ट्रीज के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जो नीड थी वो आईडीबी आई पूरी कर दी okay. इसके अलावा उसको एक स्पेशल दिया गया कि आप हमारे कंट्री में जो जोग्राफिकल इम्बेलेंसेज हैं उसको ठीक कीजिए लाइक फॉर एग्जाम्पल सारी इंडस्ट्रीज क्या हम अहमदाबाद में दिल्ली में मुंबई में लगा सकते हैं नहीं तो हमारा कंट्री जो है वो प्रॉपर तरीके से जो जो इंबैलेंस्ड है ज्योग्राफिकल स्प्रेड है इंडस्ट्रीज का उसको बैलेंस करने के लिए आईडीबी आई को रिस्पांसिबिलिटी दी गई कि आप इसको इक्वलाइज कीजिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं लाइक like हिमाचल में एक जगह है बद्दी ओके okay? इसको कहते हैं एससीजेड एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन आज से कुछ साल पहले जो बद्दी है वो एक रिमोट एरिया था एक रूरल एरिया था गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम इसे इसे बढ़ाना है या फिर यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है तो हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी ही होंगी और इंडस्ट्री भी कौन सी फार्मा इंडस्ट्री इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री के लिए इस एरिया को यानी कि बद्दी को जो है डिक्लेयर कर दिया कि जो भी फार्मास से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवा दवाइयों से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहती है वो आके बद्दी में आके लगा सकती है उसके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स जो है गवर्नमेंट ने ऑफर किए इससे हुआ क्या एक तो वहां का जो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगती गई वहां पे फायदा क्या हुआ वहां पे बहुत फायदा हुआ क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया लोगों को इम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो गई वहां पर जो है डिमांड सप्लाई का जो है उसकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया ओके सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कंट्री में हमें जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज बैलेंस आउट तो हमें इस टाइप की स्कीम्स बैलेंसिबिलिटी आई एरिया सिमिलरली आई क्या करता था कुछ इंडिया के साथ मिलके कुछ एरियाज ये डिसाइड कर देते थे कि बैकवर्ड एरियाज है नाउ वी मैंने आपको बताया एग्जांपल दिया बद्दी का इसी प्रकार से ये एरियाज जो है डेवलप करे जाते थे इंडस्ट्रीज के लिए आईडीबीआई की कंसल्टेशन से कन्वर्जन ऑफ आईडीबीआई इनटू बैंक अब ये बैंक अब बना सितंबर 2004 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईडीबीआई को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का दर्जा दे दिया अंडर आरबीआई एक्ट 1934 में नाउ दिस इज द डेट दैट वी हैव टू डी कि आईडीबीआई बैंक कब बना है वो बना है सितंबर 2004 में ओके okay. अब आज का प्रेजेंट स्टेटस क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखिए जनवरी 19 2019 के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एल को कहा कि भाई कुछ कुछ कैपिटल आप इस बैंक में इन्फ्यूज कीजिए मतलब इस बैंक में कुछ कैपिटल डालने की जरूरत है क्यों जरूरत है क्योंकि जो एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसी वजह से एल ने इस ऐसे उसके अंदर 51 परसेंट शेयर लेने के बाद उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन किया ओके okay? और उसके बाद बैंक जो है आईडीबीआई डी बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में कंसिडर किया जाने लगा एज पर आरबीआई okay? है कि ने स्टेक्स कब खरीदे आईडीबीआई में वो डेट है हमारी ट्वेंटी फोर्स्ट जनवरी टू और इस डेट से आईडीबीआई बैंक जो है वो आई बैंक जो है टोटली प्राइवेटाइज बैंक की कैटेगरी में गिना जाने लगा ओके सो दिस इज समथिंग अबाउट आई so let's proceed for another financial institution that is irbi now the name is industrial reconstruction bank of india reconstruction का क्या मतलब है reconstruction का मतलब है देखिए ऐसे कई सारे यूनिट्स होते हैं या कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो सिक कंसीडर होती है सिक का मतलब है बीमार मतलब ऐसी कोई इंडस्ट्री जो कम से कम पांच साल चल चुकी हो दूसरा उसके जो अकम्युलेटेड लॉसेस हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन इट्स नेट वर्थ नेटवर्क का मतलब है कि जो लॉस इतने ज्यादा हैं कि उसकी नेटवर्क उसको पूरा करने के लिए का पूरी नहीं हो है ऐसे यूनिट्स को कहते हैं सिख यूनिट्स अब जो सिख यूनिट्स होती है उनके लिए रिकंस्ट्रक्शन के मतलब उनको रिवाइवल के लिए उनके रिहैबिलिटेशन के लिए एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया ओके और इसे कब बनाया था इसे बनाया था नाइनटीन में ठीक है एक रेजोल्यूशन पास किया था पार्लियामेंट में मगर इसको बनाया नहीं गया था इसको बनाया गया था 1985 में क्योंकि ये पहले एक कंपनी फॉर्म में था और बैंक ये 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 बाद में बना था जो तो डेट है 1985 ये है 1985 इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया ओके अब इसके क्या फंक्शन रहे थे इससे नाम से पता चल रहा है कि इसके क्या फंक्शन इट एक्ट प्रिंसिपल क्रेडिट एंड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी मीन्स अगर कोई सिक यूनिट है और उसको रिवाइवल के लिए कुछ क्रेडिट चाहिए कुछ रिकंस्ट्रक्शन का कोई एजेंसी एक टाइप की रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी कौन सी है वो है आई आर बी आई ठीक है इसी प्रकार से ये और भी बहुत सारे डेवलपमेंट फंक्शन करती थी जैसे कि उन सिक यूनिट्स के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए कुछ रॉ मटेरियल कंसल्टेंसी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज या फिर कुछ लीज हायर चाहिए या फिर हायर परचेज क्रेडिट सिस्टम चाहिए तो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा आई आर बी आई टेसर क्रेडिट एंड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी फॉर मॉडर्नाइजेशन और ये loans भी देती थी और साथ में अंडर होगा गारंटी okay? का मोस्ट ऑफ द बैंक जो है वो गर गर्विसेज देते हैं सिमिलरली ये अगर किसी यूनिट को जिसके रेहेबिलिटेशन की हम बात कर रहे हैं उसे अगर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए

ये इसलिए करता था ताकि जो उनका इम्बेलेंस है मतलब उनको सिख जो जो कैटेगरी है सिख और वी की उससे निकालने के लिए उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करता था वो करता था आईआरबीआई नेक्स्ट एनएचबी एनएचबी इज वेरी पॉपुलर नेशनल हाउसिंग बैंक एज यू ऑल नो दैट इन आवर कंट्री ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एच एफ सी हम एच एफ सी कहते हैं एच एफ सी कौन कौन सी इंडिया बुल्स

डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी कि एन बनाई जाए एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि हमारे कंट्री में होम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करे ओके इसके है न्यू दिल्ली में और ये कब बना था नौ जुलाई 1988 को बनाया गया था इसको ओके और ये 100 परसेंट था किसका आरबीआई का आज भी ठीक है थेके? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे कंट्री में एक अफोर्डेबल होम क्रेडिट हाउसिंग क्रेडिट जो है प्रोवाइड किया जाए मतलब वो जो हाउसिंग क्रेडिट है वो एक अफोर्डेबल रेंज में होना चाहिए ताकि सभी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी मतलब जैसे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं बीपीएल कैटेगरी के हैं मिडिल लेवल में हैं ओके okay, और जो हाई लेवल में ठीक है या हायर इनकम ग्रुप के लोग जो हैं इन सभी कैटेगरी के लोगों के लिए होम क्रेडिट सर्विसेज एक रीजनेबल एज में या कह सकते हैं अफोर्डेबल रेंज में प्रोवाइड करने के लिए ये डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट फॉर्म किया गया इसके अलावा ये और क्या काम करता है मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक नेटवर्क कंट्री में एक नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड होम फाइनेंश इंस्टीट्यूशन कौन चलाएगा वो चलाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक मीन्स जैसे आरबीआई है ठीक है ये तो एक सेंट्रल बैंक है जिसको सब तरफ सा, हर तरीके से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने हैं ठीक है मगर एनएचबी का क्या काम है एनएचबी का काम है कि वो कंट्री में एक ऐसा नेटवर्क बनाए कि होम फाइनेंस कंपनीज उनकी सुपरविजन में चलाई जा सके और उसके लिए पूरी पॉलिसीज वगैरह जो कौन रोटेट करेगा वो करेगा एनएचबी करे एक टाइप से सुपरवाइजर रोल भी इसके पास है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भी एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज के टाइम पे अगर हम कभी बात करते यूटीआई क्या है सबको पता है वो एक म्यूचुअल फंड ओके और इसके थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कब बनाया गया था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था ठीक है कब बनाया था? 1964 में बनाया था था 1964 में मगर क्यों बनाया गया था इसके पीछे है कि आप देखिए कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं जो स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं छोटे छोटे दे आर सीकिंग एनी सिस्टम सो दैट दे कैन इन्वेस्ट देर इन्वेस्टमेंट विच इज सिक्योर एंड प्रोफिटेबल ऑल्सो अब जो ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाएगा उसका अल्टीमेट बेनिफिट कौन लेगा उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लगेगा ओके सो कंट्री में इस टाइप के स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स की जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करने के लिए एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो इस चीज को सिक्योर और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सके ठीक है तो इसलिए यूटीआई को बनाया गया कब बनाया गया फरवरी 1964 में अंडर यूटीआई एक्ट 1963 के तहत बनाया गया

आज के टाइम पे यूटीआई जो है वो उसके स्टेक्स चार मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है वो है एसबीआई बैंक ऑफ बड़ो एल आई सी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पी एन बी मतलब पंजाब नेशनल और इन सबके पास ईच वन ऑफ देम आर होल्डिंग एटीन पॉइंट फाइव परसेंट स्टेक इन पेड़ अप शेयर कैपिटल ऑफ यूटीआई सभी के पास यूटीआई okay? के एटीन पॉइंट फाइव परसेंट शेयर है इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो नाबार्ड नाबार्ड का क्या मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसे कब बनाया था जुलाई 1982 को बनाया गया और ये डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में काम करेगा ठीक है और इसकी इनिशियल कैपिटल हंड्रेड करोड़ थी बाद में अब यह बढ़कर टू थाउजेंड हो गई ठीक है आज के टाइम पे नाबार्ड दो बेसिक कैटेगरीज के बैंक्स को कंट्रोल करता है वो तो कौन से आर आरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक जितने भी कॉपरेटिव बैंक आप देखते हो ना ये सारे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं इसको नाबार्ड कंट्रोल करता है लाइक अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो उनका सुपरवाइजर कौन है आरबीआई है इसीलिए आरआरबी बैंक्स और कॉपरेटिव बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है उनका सुपरवाइजर कौन है अनबार्ड है

हमारे पास रूरल डेवलपमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम है नाबार्ड नाबार्डे okay. आगे देख लेते हैं इनिशियली जब नाबार्ड बनाया गया तो इसके जो फंक्शंस जो आज वो परफॉर्म करता है वो पहले कौन परफॉर्म करता था ये ऑर्गेनाइजेशन तीन तीन थी ए आर डी सी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ आरबीआई मगर आज के टाइम पे ये सारे फंक्शन नाबार्ड परफॉर्म करता है ओके okay. इसके अलावा ये कमर्शियल बैंक जैसे कि सपोज कीजिए एस बी आई है एस बी को अगर रीफाइनेंस कराना है कोई भी सपोज इसके पास कोई कस्टमर है जिसको एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर्पज के लिए लोन्स देने हैं तो ये केस नाबार्ड को फॉरवर्ड कर सकता है कि क्योंकि स्पेशलाइजेशन एरिया है नाबार्ड का तो वो इसमें इसको फॉरवर्ड किया जा सकता है रीफाइनेंसिंग एजेंसी का काम भी नाबार्ड करता है किसके लिए कमर्शियल बैंक के लिए

हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ से Fine. इसका कहने का मतलब है कि हमारे को एक ऐसे एपेक्स बैंक की या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो कि हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए डेडिकेटेडली अवेलेबल हो ऐसे क्या इनिशिएटिव्स थे एक्सिम बैंक के पास एक्सिम बैंक हैज प्लेड अ मेजर रोल इन एनकरेजिंग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ओके जैसे कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक या यूरोपियन बैंक जो है उनकी फंडिंग इन्वॉल्व होती है अब ऐसे बैंक्स को सपोर्ट ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिम है वो एक मेजर रोल प्ले करती है ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनकरेज किया जा सके उनको हेल्प करी जा सके ताकि वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे ओके okay. इसके अलावा और क्या काम करते हैं ये लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं इंस्टीट्यूशन को अफगानिस्तान कुछ, कुछ अब उसने उसने अफगानिस्तान okay. के अंदर जो फॉरन गवर्नमेंट है उनको कुछ क्रेडिट की जरूरत है ठीक है ताकि वो इंडिया से इम्पोर्ट मंगवा सके मतलब वहां से सामान मंगवा सके अब एक्सिम बैंक जो है ना केवल इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करेगा बल्कि वो अफगानिस्तान जो कि इम्पोर्टर है उसको भी और एक लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करेगा ताकि जो है फॉरेन ट्रेड हो सके ओके okay? इसके अलावा और क्या करता है वो एक टर्म लोन ऑफर करता है टर्म लोन किसके लिए टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए मशीन खरीदने के लिए या जैसे कोई एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक्सपोर्ट करने में मतलब कैपेबल भी हैं और उनको कुछ लोन की जरूरत है ताकि वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी खरीद सके कुछ ऐसी machines जो उनको फौरन से चाहिए तो इन सब चीजों के लिए असिस्टेंस कौन प्रोवाइड प्रोवाइड करता बैंक कर है इसके अलावा एक्सिम बैंक के रूरल इनिशिएटिव प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं ताकि हमारा जो रूरल इंडस्ट्री है इंडिया का रूरल इंडस्ट्री है उसको ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट किया जा सके जैसे कि सबको पता है कि इंडिया जो है 80 परसेंट रूरल एरिया में रहता है ठीक है तो इंडिया की ऐसी बहुत इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम ग्लोबल ग्लोबल मार्केट में सेल कर सके एक्सपोर्ट कर सके तो उसमें फायदा किसका होगा उसका उसमें फायदा क्या होगा हमारे इंडिया का होगा क्योंकि हमारा जो फॉरन एक्सचेंज का बैलेंस है वो बढ़ेगा ठीक है तो ये जो लिंकेज है ये कौन प्रोवाइड करेगा ये प्रोवाइड करेगा एक्सिम बैंक